थका तो उसमें कहा गया, पर व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि साक्षी साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हों, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने का जो आनंद है, व्रत करने की जो शक्ति है, शिव महापुराण की कथा कहती है वो शक्ति चाहे हम विष्णु पुराण पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि उपास व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने की जो शक्ति है, व्रत करने की जो ताकत है, वो कोई दूसरा नहीं देता। व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान करता है, मेरा शिव देता है। बोलबम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। साक्षी भले ध्रुव जी ने दी हो, व्रत करने की साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हों, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हम नवरात्रे का व्रत कर रहे हों, हम एकादशी का व्रत कर रहे हों, हम प्रदोष का व्रत कर रहे हों, हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हों, हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हों, हम चतुर्थी का व्रत कर रहे हों, ये सारे व्रत करने की जो बल है, ये सारे व्रत करने की एक शक्ति, एक बल जो आपको और हमको, संपूर्ण जगत को जो प्राप्त होता है वो शिवजी से प्राप्त होता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। मां जगज्जननी, मां अम्बा, मां जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री मां दुर्गा, मां भवानी, मां देवी, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था, दुर्वा का एक छोटा सा अंश मां जगज्जननी माता पार्वती ग्रहण कर रही थी, एक छोटा सा अंश आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को दो वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर मां पार्वती जी को देते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी कोई बेटा, जो नारी जो पुरुष संत साधु महात्मा सन्यासी त्यागी बैरागी, कोई बालक कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा
तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत होता है आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। किसी आडंबर में पढ़कर कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा भभूति बनाकर दे दूंगा कि जिससे तुम पास हो जाओगे या जिससे तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ना ना ना, अपनी मेहनत अपना कर्म अपने को करना है, तब हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी मेहनत जरूरी है, अपनी मेहनत। आप अगर मेहनत करो ही नहीं और सोचो कि आप बहुत ऊपर की ओर बढ़ जाओ तो बड़ा कठिन है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, माननीय आमदार विधायक जी बैठे हुए हैं, और भी अधिकारी गण यहाँ पर बैठे हुए हैं इस कथा में। आप कभी अकेले में इनसे बात करना, अगर आज ये उप मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, आमदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, खासदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, या किसी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हैं, तो पुराने समय की इनकी मेहनत को देखना कि इन्होंने मेहनत कर कर अपने बल को पाया है, तब प्रभु की कृपा से आज कहीं अच्छी जगह पर विराजमान। आप अब अपन ने इनकी बात करी, आप अपनी बात करिए। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, यजमान परिवार ने, मते जी ने तो 1, 2, 3 लोहे के पंडाल, उधर 4, उधर 5, पीछे 6, 7, 8 पंडाल इन्होंने लगवाए। परंतु आप जरा विचार करना, तुम्हारी गाड़ी कोई बिल्कुल नजदीक में नहीं छूटी होगी। जिस गाड़ी से, ऑटो से, रिक्शे से तुम आए होगे, वो कम से कम आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर छूटा होगा। बोलो छूटा कि नहीं छूटा? कम से कम आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी छूटी होगी। उसके बाद चिलचिलाती हुई धूप में तुम पैदल अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ को, बुजुर्ग को हाथ पकड़कर धीरे 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 संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, अपनी मेहनत के बल पर, अपने पांव के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर, आप चलते चलते इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। तो आप पहुंचे तो शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप मेहनत कर कर पहुंचे। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका बल, आपका कर्म आपको आगे बढ़ाता है। शिव कहते क्या है? भगवान शंकर का कहना क्या है? शंकर एक बात जरूर कहते हैं अपने भक्तों से, मैंने विष पिया है, नीलकंठधारी बनकर बैठा हूं। जिंदगी में ताने, गाली, अपशब्द लोग कहेंगे, ये जहर है जिसको आपको पी जाना, जिसको आपको पीना है। हमने कथा में एक बात पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, नागपुर वासियों ने अगर कथा टीवी पर सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगी, तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी बड़ाई करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारे
प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तब समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चल रहे। उसका कारण क्या है? प्रशंसा करने वाला एक दिन निंदा कर सकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकता है, पर निंदा करने वाला कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए निंदा करने वाले बढ़ना चाहिए, वो बढ़े, अपशब्द कहने वाले बढ़े, ताने देने वाले बढ़े, आपको आड़ा टेढ़ा कहने वाले बढ़े, जब वो बढ़ेंगे तब समझना कि अब आप दुनिया के लोगों की चर्चा में हो, मतलब आप उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप उन्नति की ओर अग्रण्य हो रहे। घर में दो बेटे होते हैं ना, एक बेटा पढ़ने में होशियार होता है, एक बेटा थोड़ा सा कमजोर होता है। जो बेटा पढ़ने में होशियार है तो माँ उस पर हमेशा कहती है, अपने एक बेटे से देख ले वो तेरे भाई को कितना पढ़ता है, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, देख ले अपने भाई को वो कितना अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। और एक बेटा ऐसा होता है जो मन के अनुकूल कार्य करता है, माँ की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, विद्या अध्ययन करता ही नहीं है, पढ़ाई पढ़ी नहीं रहा। पर कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेर बदल हो जाता है जिसने बहुत 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 पढ़ाई करी, विद्या अध्ययन करा, पर वो अपने संस्कारों से विहीन होता चले गए। वो मम्मी का आदर नहीं कर पाया, अपनी आई का आदर नहीं कर पाया, भाऊ का आदर नहीं कर पाया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाया। एक कमजोर लड़का जो भले पढ़ा नहीं, जो विद्वत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं, जिसको माता पिता हमेशा ऐसा कमजोर ही समझते रहे, वो बच्चा भले कितना भी दुख की घड़ी आ गई पर अपने माँ बाप को कभी धक्का देकर नहीं निकाला, उसने अपने पास अपने माँ बाप को रखा, अपने माता पिता को अपने नजदीक में रखा।